मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी ने 21 जनवरी के दिन पिछले 15 साल कैसा परफॉर्म किया और इस साल निफ्टी का क्या ट्रेंड रह सकता है। निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करती है 21 जनवरी के दिन। कुल 10 ट्रेडिंग सेशंस थे जिसमें 4 बार निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ और 6 बार निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। 5 बार बाजार बंद थे। द हाईएस्ट पॉजिटिव मूवमेंट रहा निफ्टी का 0.5, जबकि हाईएस्ट नेगेटिव मूवमेंट था निफ्टी का -8.7। तो बहुत बड़ा नेगेटिव मूवमेंट आया था इस दिन। एक तरह से वर्स्ट डे निफ्टी का इस दिन था। अगर हम परसेंट चेंज की देखें, हिस्ट्री देखेंगे, तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि आगे जाके क्या ट्रेंड हो सकता है निफ्टी का। अगर देखिए 2008 में सबसे खराब दौर था निफ्टी का, जहां पे 8.5 गिरा था इसी दिन। और हम जैसा देखते आए हैं कि सबसे बड़ी गिरावट और सबसे बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट के बाद ट्रेंड रिवर्स होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो ये एक एक्सेप्शन के रूप में आप देख सकते हैं। 2009 में भी 3% की बड़ी गिरावट, 2010 में भी 2.5% से ज्यादा की बड़ी गिरावट। तो 8, 9, 10 तीनों बहुत ही बेकार दिन रहे हैं इस हिसाब से। अब अगर हम देखें 11 में स्लाइट पॉजिटिव नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी, 13 में पॉजिटिव क्लोजिंग, 14 में फ्लैट, 15 में थोड़ा पॉजिटिव, 16 में नेगेटिव, 19 में थोड़ा पॉजिटिव, 20 में थोड़ा नेगेटिव। तो 11 के बाद से निफ्टी वोलाटाइल नहीं रही है, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान ही ट्रेड की है, 0.4 पॉजिटिव या 0.4 नेगेटिव। अगर आप देखिए 11, 13, 14 और 15 बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा है, 0.2 का अप डाउन रहा है, 0.2% का अप डाउन रहा है। 13, 14, 15 में निफ्टी पॉजिटिव ही रही है। उसके बाद 16 में देखिए 0.4 का नेगेटिव, 19 में 0.5 का पॉजिटिव, 20 में 0.4 का नेगेटिव। तो अगर देखिए आप परसेंट वाइज, तो आधे आधे परसेंट का पॉजिटिव नेगेटिव का ट्रेंड चल रहा है। तो इस हिसाब से 21 में हो सकता है पॉजिटिव क्लोजिंग आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली ट्रेंड पिछले 15 वर्षों के आधार पर जानने के लिए विजिट करें manipati.com। और भविष्य के वीडियोस के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक करिए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरी खुद की रिसर्च है और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।